गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। अभी तक हर जगह नाकाम साबित हो चुके राहुल गांधी ने कोई ऐसा मंदिर नहीं छोड़ा जहां उन्होंने मत्था ना टेका हो, और रुझानों को देखकर भी लग रहा है कि शायद उनका मत्था टेकना लोगों को भी पसंद आया, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन उम्मीद से कई गुना गुजरात में अच्छा नजर आ रहा है। कांग्रेस के इस हैरतअंगेज कारनामे के पीछे एक जादूगर का हाथ बताया जा रहा है, और उस जादूगर का नाम है अशोक गहलोत, जिन्हें राजस्थान में इसी नाम से जाना जाता है। राहुल गांधी की इमेज सुधारने में गहलोत का बहुत बड़ा हाथ है। राजस्थान में सत्ता गंवाने के बाद भी कांग्रेस और राहुल को उन पर भरोसा था। चैत्र बैसाख में जब पार्टी हाईकमान ने अशोक गहलोत को गुजरात का प्रभार देकर भेजा तो लोगों के अंदर काफी कौतूहल था कि ऐसा कैसे किसी राजस्थानी को गुजरात की कमान सौंप दी गई। लेकिन गहलोत ने साबित कर दिया कि उन पर दांव खेलकर कुछ भी गलत नहीं किया गया है। गुजरात के चुनाव अभियान ने उन्हें फिर से मजबूत भूमिका में ला खड़ा किया। वो इस कदर चुनाव अभियान में जुटे कि दिवाली पर भी अपने घर नहीं लौटे। गहलोत को कार्यकर्ताओं का नेता कहा जाता है। वो ना तो प्रखर वक्ता हैं और ना ही किसी राजसी परिवार से आते हैं, लेकिन अपनी मंद मुस्कान और सीधी साधी छवि के जरिए वो लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। उन्हें पार्टी संगठन का व्यक्ति कहा जाता है, और जो अपने सामाजिक सेवा कार्य के जरिए इस ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इंदिरा जी के काफी करीबी रहे गहलोत आज राहुल गांधी को चमकाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल नतीजे कुछ भी हों, इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार गुजरात में पंजे ने कमल को कड़ी चुनौती दे दी, जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी।